ते गरीब नवाज सतगुरु जी दे चरणा दी शो प्राप्त बाबा दीप सिंह साहब नू जदों ये सुनेहा मिलिया सी ते आप जी ने उस समय अरदासा सोधिया सीगा। अरदास सोध के तुरे सी उत्थों ते अपने साथियां नू पक्कियां करन वास्ते कहा सी गुरद्वारा लकीर साहिब के खालसा जी जिहदा जिउण नू चित करदा उह लकीर ना टप्पियो, जिन्ने शहीद होना उह लकीर टप्पिया जी। ते 10,000 सिंह इकट्ठे हो गए सी, 5 तां बाबा जी दे नालों दमदमा साहब तो तुरे सी ते 5,000 सिंह ओह इकट्ठे होए जिन्हां नू जंगलां विच थावां थावां ते खबरां मिल गईआं कि बाबा दीप सिंह साहब जी शहीद होण चले अमृतसर नू, आओ जिन्हां ने शहीदी जथे विच शामिल होणा। शहीदां दी मिसल दे जथेदार दमदमी टकसाल दे पहले मुखी बाबा दीप सिंह साहिब ते जदों सीस लथिया, साडा इतिहास कहिंदा है कि जदों तरन तारण साहब अरदास कीती सी उदों इह बोल कहे सी, महाराज इह सीस अज आप जी दे चरणां विच भेट कर देना है। ते लथे होए सीस वल वेख के पंजां सिंघां विचों खलोते इक सिंघ ने कहा सी कि बाबा जी आपका प्रण पूरा नहीं होया अजे, तो गुरु रामदास साहब का अस्थान दूर है इतों। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं कि लुश लुश करता बाबा जी का धड़ उठाया, कटिया होया सीस अपनी खब्बी तली ते टकाया ते बाबा दीप सिंह साहब जी 18 सेर भारा खंडा फेरते हुए अमृतसर साहब वाल नूं तुरे है। दसो साइंस किवें सिद्ध कर सकती है, मनुखी दिमाग किवें सिद्ध कर सकता है, पर सतगुरु की बाणी सिद्ध करती है। प्रभाव है बिनसास ते रख है, जिदे कोल गुरु कलगी धर सच्चे पातशाह की शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है, उस चीज तो बिना भी जिंदा रह सकता।